अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे मरक पाया की रेसिपी। तो इसके लिए हम ले लेंगे पहले ये बोजवर मसाला की पैकेट है, इस तरह से मिलती है पैकेट। इसमें का आधा ऑलरेडी पहले यूज़ कर ली थी मैं, अब जो आधा बचा वो भी यूज़ कर लेंगे हम। एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे हम। अब ये कपड़े में हम ये जो मसाला है मसाला डाल देंगे। अब ये मसाले की हम पोटली बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पोटली बना के रख ली मैं। 12 पायों का मरक बना रही हूँ मैं। इसको अच्छा धो के साफ करके कट करके ले ली मैं। अब हम कुकर चढ़ा लेंगे गैस पे। पायों को डाल देंगे हम इसमें। ये जो हम पोटली बना के रख लेते हैं मसालों की वो भी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे आधा स्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा स्पून से भी कम। काली मिर्च पाउडर ले लेंगे आधा स्पून से भी कम। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 5 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ मैं। अब हम इसमें एक स्पून डाल देंगे, कौन सा भी स्पून ले सकते हैं आप। ये डालने का मकसद ये है कि पाए गलाते वक्त जो पानी ज़्यादा निकल के गिरता कुकर में से वो थोड़ा कम गिरता। एक बार ट्राई करके देखिए आप भी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के पाए गलने तक पका लेंगे हम। ये देखिए सिर्फ इतना ही पानी निकल के गिरा इसमें से, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरता था पहले। अभी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम ये स्पून को हटा देंगे। चेक कर लेंगे पाए गले या ना नहीं गले। ये देखिए गल गए, और पकाना भी है इसको, और थोड़ा पक भी जाते हैं मरक प्याज वही भुनने करने में, और अच्छे से पक जाते हैं। ये पोटली को भी हटा देंगे। ये पोटली को ठंडे पानी में डाल के अच्छा निचोड़ के इसका पानी भी ले लेना हम। ये देखिए पानी इसमें का पूरा सूख गया, इसको हटा लेंगे अब हम साइड में। 20 बादाम 20 काजू को गर्म पानी में भिगा के रख ली थी मैं। अब हम इसको पेस्ट बना के ले लेंगे मिक्सी में डाल के। अब हम दूसरा बर्तन चढ़ा लेंगे भगोना, गर्म हो गया ये। ऑयल डाल देंगे हम इसमें कुकिंग ऑयल। साथ में हम घी भी डाल देंगे। जब तक ये गरम हो रहा हम मसालों को देख लेंगे, इसमें डालने वाले मसालों को। कबाब चीनी ले ली मैं आधा स्पून, दालचीनी के चकले 2, शाजीरा 1 स्पून, काली मिर्ची 1 स्पून, 4 इलायची, 2 लौंग। ये सब चीज़ों को हम बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे। घी को अच्छा मिला लेंगे हम। तेल गरम हो गया, खड़े मसाले डाल देंगे हम इसमें, साबित मसाले। साथ में हम 4 बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके ले ली थी मैं,
वो ऐड कर देंगे इसमें। प्याज डालने के बाद में मिला लेंगे हम अच्छे से इसको। प्याज का कलर चेंज होने तक पका लेंगे हम इसको। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में भून लेंगे हम। जब भी आप पायों का सालन बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा स्पून से भी कम। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। दो स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डाली मैं। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। कुछ देर के लिए हम मिर्ची को भून लेंगे। कोथमीर पुदीना डाल देंगे एक मुट्ठी। हरी मिर्ची अच्छे से भुनी गई है। कोथमीर पुदीना मिलाने के बाद में हम पाए ऐड कर देंगे हम इसमें, जो गला के रख लिए थे। नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब हम इसमें दही डाल देंगे। 200 ग्राम दही है ये। दही डालने के बाद में हम दही को भून लेंगे कुछ देर के लिए। ढक्कन ढाप के पका लेंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें काजू बादाम का पेस्ट डाल देंगे। दूध डाल के पीस ली मैं इसको, काजू बादाम को। काजू बादाम का पेस्ट डालने के बाद में हम कुछ देर के लिए भून लेंगे इसको। अगर आपके बच्चे पायोंग का सालन नहीं खाते तो इस तरह से बनाकर देखिए। मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे पहले, जब से मैं इस तरह से बना रही हूँ तो मेरे बच्चे भी खाना शुरू करें और बहुत पसंद से खाते हैं। कुछ देर तक इसी तरह से पका लेंगे हम ढक्कन ढाप के। ये देखिए काजू बादाम का पेस्ट डालने के बाद में कुछ देर पका लिए हम, अच्छे से भुने भी गया ये। अब हम जो पोटली निकाले थे मसाले की, उसको अच्छा निचोड़ के इसका पानी ले ली मैं। बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है इसका। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हिलाते हुए पानी डाल देंगे हम। अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे हम इसमें, जितना हम आपको होना है।
डेढ़ जग जितना पानी डाली मैं इसमें। अब हम इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, गरम मसाला डाल देंगे 1 स्पून, इलायची पाउडर डाल देंगे हम इसमें 1/2 स्पून से भी थोड़ा कम। ये मसाले डालने के बाद में हम मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा मिक्स हो गया ये। नमक डाल देंगे हम। नमक एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करने के बाद में जितना आपको नमक लगता फिर इसमें ऐड कर लीजिए। ढक्कन ढाँप के बॉईल आने तक पका लेंगे हम। ये देखिए उबाल आ गया। इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे, अमूल क्रीम। पूरा एक पैक ली मैं 200 ml का। क्रीम डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता। मिक्स कर लेंगे। क्रीम थोड़ी थिक रहती ना तो अच्छे से मिक्स कर लेना हम। अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद में 10 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे पका ली इसको। ये देखिए कितने अच्छे से पक के रेडी हो गया। पूरा घी और तेल पूरा ऊपर आ गया इसके। बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी ये रेसिपी। पूरी रेसिपी देखने के बाद आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको इसकी। ये देखिए इसका शेरवा शोरबा जो भी आप बोले इसको, मरक्का कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। बहुत पतला भी नहीं है और ना ही गाढ़ा है, बराबर है इसकी कंसिस्टेंसी। जब भी आप मरक बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।